नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज की कुछ बड़ी और खास खबरों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पुरी में रथ यात्रा में शामिल होंगी। बता दें कि एक आधिकारिक विज्ञप्ति में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति मुर्मू 6 से 9 जुलाई तक उड़ीसा का दौरा करेंगी। वहीं महोत्सव में राष्ट्रपति के आगमन को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, और इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों और जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि ये बैठक आगामी 2 दिनों तक चलने वाली है, जिसमें हार की समीक्षा की जाएगी और आगामी चुनाव के लिए पहले से रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी नेताओं ने कहा कि दिल्ली भाजपा आज अपनी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक करेगी, जिसमें अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे। धार्मिक आयोजन की सुरक्षा के लिए 18,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं 20 ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। आज देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। CBSE CTET 2024 परीक्षा देश भर के 136 शहरों में 20 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। मर्चेंट नेवी अफसर अनिल कुमार की चीन में 12 जून को हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तभी से अनिल की पत्नी पीएम मोदी से गुहार लगा रही है कि उसके पार्थिव देह भारत लाया जाए। अनिल की डेड बॉडी इस्तांबुल से 6 जुलाई को दिल्ली के लिए रवाना होगी, जो दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह पहुंचेगी, जिसके बाद उसे आगरा लाया जाएगा। राजस्थान के सिरोही में लायंस क्लब शिवगंज सुमेरपुर का आज पद स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि ये पद स्थापना समारोह पूर्व मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन अरविंद शर्मा के मुख्य आतिथ्य पूर्व प्रांतपाल डॉक्टर वीके त्रिवेदी की अध्यक्षता में होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में ताप्ती तट स्थित गायत्री शक्ति पीठ में आज से ताप्ती पुराण कथा होगी। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ होगा। पंडित अशोकाचार्य महाराज के मुखारबिंद से कथा होगी। वहीं बता दें कि कथा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बोकारो स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल का गार्डर स्थापित करने के लिए 9 घंटे का ब्लॉक लिया गया है। इसके अतिरिक्त पुरुलिया कोटशिला खंड के बीच LC गेट संख्या PK07 के स्थान पर लिमिटेड हाइट सबवे के निर्माण के लिए 5 घंटे 30 मिनट तक सह पावर ब्लॉक लिया गया है, जिसके कारण बोकारो होकर चलने वाली ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिलों में बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में गरज से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में झारखंड के अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। आज ही के दिन सन 1656 में सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकृष्ण का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1896 में भारत में सिनेमा का प्रवेश मुंबई के वाटसन होटल में ल्यूमर बंधुओं ने फिल्मों का पहली बार प्रदर्शन किया। आज ही के दिन 1948 में बहुउद्देशीय परियोजना के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1981 में प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2021 में हिंदी सिनेमा के अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।